Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. तो finally वो दिन आ गया जिसमें आज हम 3x3 क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं एक वीडियो में 3x3 क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं हम। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है, हाउ टू सॉल्व योर 3x3 रूबिक्स क्यूब। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक और वीडियो की तरफ। अब आप लोगों ने क्यूब तो ले लिया 3x3, अब आप लोग कहोगे कि यार ये मुझे सॉल्व करना क्यों नहीं आ रहा। अच्छा मैं ये बताता चलूँ कि मैंने इस पे एक वीडियो, तीन वीडियोस बना चुका हूँ, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, F12 फर्स्ट लेयर बॉटम क्रॉस, इनमें बना चुका। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक ही बार में पूरा 3x3 सिखाऊँ। मैंने कहा यार फिर एक बार में 3x3 पूरा मैं सिखाऊँगा। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, मेन वीडियो की तरफ। सॉरी, स्क्रैम्बल मैंने कर दिए। सबसे पहले आपने ना अपने माइंड में ये रखना है, अगर आप अपना ये मुझे पता है, अगर तो आप ये अपना पहला रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं इंट्यूटिवली भी आपको समझाऊंगा। अभी आपने वाइट सेंटर पीस को टॉप में रखना है और येलो सेंटर पीस को बॉटम में रखना है, डाउन में। सबसे पहले आप अपना प्लस बनाते हैं, सॉरी क्रॉस बनाते हैं। कैसे, मैं आपको बना के ज़रा दिखा दूं कि कैसा लगता है क्रॉस। ओ भाई बन जा, कुछ ये पीस को मैं कुछ इस तरह का आपका क्रॉस बनता है और वो अपने हर एज के साथ मैच होते हैं। इस तरह का क्रॉस आपको बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाना मैं बताता हूँ। वाइट सेंटर पीस को टॉप में रखेंगे और वाइट एज देखेंगे। एज हम इसको बोलते हैं जिसमें दो कलर्स हो, और कॉर्नर हम उसे बोलते हैं जिसमें तीन कलर हो। एक दो तीन, इसमें तीन है, ये कॉर्नर है। ओ भाई गलती से ट्विस्ट ही कर दिया, लेकिन आपने ट्विस्ट नहीं करना। इस एज को आप ठीक तरीके से कैसे अपने क्यूब में लगा सकते हैं, सॉरी टॉप में ला सकते हैं। ये वाइट ब्लू है, अभी ये फ्लिप होने वाला है। कैसे करेंगे, ब्लू से मैच किए ऐसे ऊपर कर दिया, हो गया, और रेड वाला हमारा ऑटोमेटिकली लग गया। कैसे मैं दोबारा बताता हूँ, अभी वो वाला केस नहीं आ रहा मेरे पास। खैर, ओ भाई मैं दोबारा से क्रॉस समझाता हूँ, गड़बड़ हो गई थी हमारे साथ थोड़ी सी। लेकिन वाइट ऑरेंज है, यहाँ पे लेके आएंगे, ऑरेंज से मैच करेंगे, ऊपर कर देंगे। ये वाइट रेड है, वाइट रेड को ऐसे नहीं हम करेंगे, वाइट ग्रीन को पहले कर लेते हैं मेरे ख्याल से। ग्रीन यहाँ पे ऊपर करेंगे। मैच कैसे करना है, एक दफ़ा इस साइड करके आपने नीचे कर देना है, इसको वापस वहाँ पे कर देना और इससे ऊपर कर देना। दो पीस लग गए, तीसरा भी हम ऐसे ही लगाएंगे। तीसरा तो बहुत इजी है, मैच हो गया ब्लू ब्लू से, दो दफ़ा नीचे हो गया ये भी। अब लास्ट रेड, वो भी बहुत ईजी है, मैच किया, दो दफ़ा नीचे कर दिया, हो गया। आपका प्लस बन चुका है। अभी मैं फर्स्ट लेयर के कॉर्नर ख़राब कर दूं ज़रा स्क्रैम्बल। प्लस बनाने के बाद एक टेक्निक बताने वाला हूँ, टेक्निक नहीं ट्रिक कह सकते हैं आप उसे। ट्रिक मेरे पास है ये। अब आप लोग कहोगे ये यू क्या है, ये क्या लफ्ज़ है, मैं बताता हूँ आपको ये क्या लफ्ज़ है। अब आपने वाइट सेंटर पीस को बॉटम में रखना है और ये एल्गोरिथम आपने कैसे लगाने अच्छा सबसे पहले आपने येलो के टॉप में देखना है कोई वाइट कॉर्नर है, कॉर्नर हम इसको बोलते हैं। इसमें वाइट है, हम इसमें कौन कौन सी कलर है, एक वाइट है वो तो चलो नीचे जाने ही जाने, ग्रीन ऑरेंज, हमने वाइट को छोड़ के ग्रीन ऑरेंज ये अपने माइंड में याद रखना है, ग्रीन ऑरेंज। यहाँ ग्रीन ब्लू है, ओ सॉरी ऑरेंज ब्लू है, यहाँ ग्रीन ऑरेंज है, अब वाइट यहाँ पे है, ये यहाँ पे जाएगा। कैसे जाएगा, आर का मतलब होता है ऊपर वाली लेयर, राइट लेयर, सॉरी ऊपर वाली लेयर नहीं, आर का मतलब राइट लेयर, ये हमारी राइट लेयर, और यू का मतलब उस यू का साइन उस साइड है तो यू अपर लेयर, इसे हम अपर लेयर बोलेंगे। आर का साइन नीचे है इसे हम आर प्राइम बोलेंगे, आर प्राइम, इसे ये यू का साइन उस तरफ है तो हम इसे प्राइम यू बोलेंगे, प्राइम यू बोलेंगे। उस साइड पे ये ऐसे हो रहा है। तो अब इस एल्गोरिथम को लगाना कैसे है, वाइट ग्रीन ऑरेंज को उससे मतलब
देख के आपने ग्रीन ऑरेंज वाइट इधर आर यू आर आर प्राइम प्राइम यू। एक बार में नहीं लगा, ये जितनी बार लग सके आपने उतनी बार लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल 5 या 6 दफ़ा लगता है। अभी 1 दफ़ा लगा लिया, 2 दफ़ा लगाएंगे। आप मेरे मूव्स देख लें, ओ भाई मुझे लगता है इसमें 3 से 4 दफ़ा मुझे लगाना पड़ गया, या 5 के 5 दफ़ा। अच्छा एक पीस हमने लगा लिया, बाकी के पीस भी ऐसे लगाएंगे। अब फिर से देखेंगे येलो के टॉप में वाइट है, ये वाइट यहाँ पे है। ओ भाई हर बार ये आसानी से मुझे मिल जाता है, वाइट रेड ग्रीन रेड ग्रीन। इसने यहाँ है आर यू आर प्राइम प्राइम यू। भाई लग जा, ओ भाई लग गया, दूसरा भी लग गया। अब फिर से येलो के टॉप में देखेंगे वाइट, यहाँ पे है वाइट, वाइट कॉर्नर वाइट रेड ब्लू। इसने यहाँ पे आना है आर यू आर प्राइम प्राइम यू। भाई ये मुझे 3 से 4 दफ़ा लगाना पड़ा है तकरीबन, और ये इंसर्ट हो गया। लास्ट पीस हमारा बचा है वो येलो के टॉप में देख लेंगे। अच्छा अगर तो आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो, वाइट यहाँ पे स्टक हो, आपने कैसे निकालना, सिंपली यही वाला एल्गोरिथम आर यू आर प्राइम प्राइम यू। सिंपली बहुत इजी मेथड से आपने इसे बाहर भी निकाल लिया। अब फिर से इसे इंसर्ट करेंगे आर यू आर प्राइम प्राइम यू। भाई आपकी फर्स्ट लेयर बन चुकी है, फर्स्ट लेयर आप लोगों ने सीख ली है, बहुत ईजी मेथड है। अब रह गई है हमारी सिर्फ सेकंड और थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में आपको थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगेगा, डिफ़िकल्ट लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप प्रैक्टिस की कर लीजिएगा तो वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे यार। अच्छा अब ये इसका हमारा अब कोई काम नहीं है, अब इसका कोई काम नहीं है। अब येलो के टॉप में हमने देखना है एज, एज मैंने आपको पहले भी बताया था कौन से होते हैं, ये हमारे एज होते हैं जो, हाँ जी येलो के टॉप में देखना है, येलो सेंटर पीस के टॉप में देखना है, किसी एज पीस में येलो ना हो। इसमें येलो है, इसमें येलो नहीं है, इसमें येलो कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे तो था ना ऊपर येलो, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब हम ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर पीस से मैच करेंगे, कैसे करेंगे। अगर तो यहाँ मान ले ग्रीन नीचे है तो आप ग्रीन को ग्रीन से करेंगे, लेकिन अभी ऑरेंज नीचे है, ऐसे आपने मैच कर लेना है। और आपको कैसे पतेगा, कैसे पता चलेगा यार कि यहाँ पे इसने जाना है कि यहाँ पे जाना है, बहुत इजी मेथड है। इजी मेथड क्या यार, यार ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज ग्रीन ग्रीन इस साइड को तो इसने यहाँ ही जाना है, ऑरेंज ब्लू पे तो नहीं ना जाएगा यार, यहाँ पे जाएगा। कैसे, ये बहुत ही इंट्यूटिवली आपको सिखाने वाला हूँ। इस एज पीस ने इधर जाना है, मतलब समझो इस साइड पे जाना है, लेकिन मैं इसे इस साइड भेज दूँगा, इस साइड भेज दिया। अब इसने इस लेयर में जाना है, इसे ऊपर कर दूँगा, वापस अब रिवर्स करना है, इसे इस साइड मैंने दोबारा कर लिया और इसको नीचे कर लिया। अब ये एक पेयर बन चुका है, ये पेयर बन गया, ऐसे पकड़, आपने ऐसे रोटेट किया था ना, अब ऐसे पकड़ लेना, इसको इस साइड कर लिया आपने, यहाँ पे आ गया आपका पेयर। अब इस पेयर ने इस लेयर में जाना है, इसे एक दफ़ा आपने सिंपली ऊपर कर देना है और इसको इसके साथ अटैच करके नीचे इंसर्ट कर देना है। आपका फर्स्ट पेयर इंसर्ट हो चुका है। अब बाकी के भी 3 पेयर हम ऐसे ही लगाएंगे। येलो के टॉप में देखेंगे येलो है, इसमें भी येलो, इसमें येलो नहीं है। ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर पीस से मैच किया इसने। अब हाँ ये मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे ऑरेंज भी ग्रीन, जैसे ये देखें कहाँ गया वो पीस, ये ऑरेंज ग्रीन आया था पहले मुझे, उसने यहाँ पे जाना है, अब ऑरेंज ब्लू है, उसने यहाँ पे जाना है। अब आप लोग कहोगे इसके लिए तो हमें दो दो एल्गोरिथम याद करने पड़ेंगे, नहीं आसान ही है, बस आपने उस जो मैंने इंट्यूटिवली पहले आपको सिखाया बस उस चीज़ का ना आपने उल्टा कर देना है। अब इसने यहाँ पे जाना है इस लेयर में, इस लेयर में आप बोल सकते हो, मैंने उसे उस लेयर में भेज दिया। अब इस एज ने यहाँ पे जाना है, इसे ऊपर कर दूँगा, वापस इसको यहाँ ले आऊँगा और इस लेयर को वापस यहाँ करके
पैर बना लूँगा अभी यार, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, मज़ा ही आ रहा है। खैर खैर, अभी पैर बना लिया आपने? यहाँ पहले पैर बनाया था, अब आपने ऐसे रोटेट करके इस साइड पे ले आना है इसे। अब इसे ऊपर करेंगे आप लोग। जब आपने इसे ऊपर कर लिया तो यहाँ अटैच कर देना है आपने सिंपली, और नीचे इंसर्ट कर देना है। इतना आसान है यार, पता नहीं क्यों लोग घबरा जाते हैं। अब येलो के टॉप में देखेंगे, ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये इसमें येलो नहीं है। अब यहाँ रेड ग्रीन है, ग्रीन को ग्रीन से मैच करेंगे और दोबारा यहाँ इंसर्ट करेंगे। कैसे? यहाँ भेजा ऊपर, रिवर्स, यहाँ से पकड़ लिया। ओ भाई, ये पैर भी इंसर्ट कर लिया। अगर आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे आप लगा सकते हैं। अगर आप इसकी रज के प्रैक्टिस कर लो, मतलब 5-6 दिन, तो ऐसा कुछ होगा। ये देखें, इतनी तेज़ आप लगा लोगे। अच्छा, अभी येलो के टॉप में फिर देखेंगे, ये एक पीस इसने यहाँ डाला है। अच्छा, इस एज के यहाँ जाने से पहले मैं आपको एक और केस बताता चलूँ, जो कि शायद आपको थोड़ा तंग करे। ये ऐसा भी केस आपके पास आ सकता है तो ये एज ही, मतलब इसमें यहाँ येलो नहीं है, लेकिन ये ठीक तरह से लगा नहीं, फ्लिप होने वाला, कैसे करेंगे? आप मेरे मूव देखें, वैसे ही आपने, जैसे आप एज इंसर्ट नहीं करते वैसे ही आपने इसे निकाल लेना है। यू को साइड, ओ सॉरी, इस अपर लेयर को उधर भेज देना है, इसे ऊपर, वापस रिवर्स, ये समझो आप इसे पेयर ही मान लो एक, लेकिन है नहीं ये। यहाँ रोटेट कर लेंगे ऊपर, अब ये हमारा निकल आया। अब इसे हम सिंपली ब्लू से मैच करके यहाँ इंसर्ट करेंगे। वहाँ भेजा, ऊपर किया, रिवर्स पेयर बना के यहाँ से रोटेट किया और इस साइड कर लिया, ऊपर कर लिया, अटैच करके यहाँ। ओ भाई, आप लोगों की सेकंड लेयर भी बन चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर की भी मैंने एल्गोरिथम्स लिख के तैयार किए हुए हैं। एल्गोरिथम ये है। ओ भाई, क्यूब आ जा। एफ आर यू आर प्राइम प्राइम यू एफ प्राइम, ये क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये एल्गोरिथम आपने कैसे लगाना है? अच्छा, आपके पास ऐसा केस आता है कि डॉट आपके, मतलब कुछ नहीं बना होता, मैं बताता हूँ। कभी कभी आपके पास इस तरह का केस आता है, मतलब वर्टिकल आप इसे एल बोल सकते हैं, और कभी कभी आपके पास, आपने येलो के टॉप में ना प्लस बनाना होता है, ये आपका टारगेट होता है। कभी कभी प्लस पहले से बना होता है, और यार मैं एक चीज़, हाँ, और कभी कभी आपके पास हॉरिजेंटल लाइन आती है। ये तीनों केस बताने वाला हूँ। और अगर आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, आपने इसको यहाँ पे रख के एफ आर यू आर प्राइम यू एफ, अच्छा एफ तो मैंने बताया ही नहीं क्या है। एफ, आप एफ को अपनी फ्रंट लेयर मानेंगे, फ्रंट, ये फ्रंट पे है, और एफ प्राइम को उधर, मतलब एंटी क्लॉक वाइज भेज देंगे। अभी मैं उस केस पे चलता हूँ, डॉट वाले पे। भाई वो डॉट वाला केस पता नहीं कैसे आना है, इसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। ओ भाई आ जा, डॉट वाला केस, भाई आ जा, केस ही नहीं आ रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर खैर खैर, अच्छा अगर आपके पास समझ लो डॉट वाला केस आ गया, आपने किसी भी साइड से होल्ड करके एफ आर यू आर प्राइम प्राइम यू एफ ऊपर, आपका ये एल बन जाएगा। अच्छा, अब एल बन गया, समझो आपका एल अब बन गया। अब आपने एफ की जगह स्मॉल एफ करने में आसान टेक्निक बताने वाला हूँ आपको। नहीं, सबसे पहले मैं वो लंबी टेक्निक बता दूँ। आपने एफ आर यू आर प्राइम प्राइम यू एफ प्राइम, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब एफ आर यू आर प्राइम प्राइम यू एफ प्राइम, अब आपका प्लस बना। लेकिन आप इसे एक ही दफ़ा में कैसे बनाओगे? आसान तरीका है यार, स्मॉल एफ से जो भी है कहीं से भी होल्ड कर लो। आपने एल को इस साइड से पकड़ना है। अच्छा, अब इन दोनों लेयर्स को नीचे करना है। ये जो दोनों लेयर्स है ना, इन दोनों लेयर को आपने ऐसे नीचे कर देना है, आर यू आर प्राइम प्राइम यू एफ प्राइम। सारा एल्गोरिथम वही है, बस ये
एफ चेंज है, एफ को आपने एफ स्मॉल एफ कर देना है, बाकी सारा एल्गोरिथम वही है। टॉप में आपने प्लस बना लिया, अब आगे बताता हूँ आगे आपने क्या करना है। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ओ भाई पेज की हालत में मत जाना यार। अच्छा अब आपने ये एल्गोरिथम कैसे लगाना है, ये एजिस के लिए आपने अपने कैसे एजिस मैच करने। ओ भाई मेरे पहले से ही एजिस मैच है, मैं इन्हें ख़राब कर लूँ, ज़रा ख़राब हो गए। दो केसेस आएंगे आपको इसमें, पहला केस तो आपको ये आ सकता है, नहीं हाँ ऐसा भी आपको केस आ सकता है कि और ये दोनों मैच और ये दोनों ख़राब हैं। अगर ऐसा केस आपको आए इस तरह का, तो आपने जो आपने एक एज जो मैच है उसको राइट में रखना है और एक को बैक में रखना है, और फिर ये वाला एल्गोरिथम लगाना है। आर ओ भाई आज तो ये पेज ही हमारे साथ शरारतें कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं, अब टिक गया अब आर यू आर प्राइम यू आर आर ऊपर कर देंगे यू टू आर प्राइम। अब आपने अपने एजेस मैच करके देखने, ग्रीन भी मैच है, रेड भी, ब्लू भी, ऑरेंज भी। लेकिन एक और केस बताता चलूँ, ये केस थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इतना लंबा नहीं हो जाएगा कि ज़्यादा ही यार मैं कैसे स्क्रैम्बल करूँ उस केस को, कैसे बताऊँ, मेरे से वो केस हो ही नहीं रहा। ओ भाई हो रहा है, मैं कितनी कोशिशों के बावजूद उस केस पे नहीं पहुंच पा रहा। नहीं, ओ यार शिट, मुझे लगा मैं पहुंच गया वो केस मैंने, हाँ आ गया वो केस। अच्छा आपके कभी कभी कोई भी एज नहीं मैच होता, लेकिन दो आपके कभी कभी हो रहते हैं, कभी कभी हाँ दो ऐसे हो रहते हैं, आप घुमा के देखते हो आपका ये दोनों मैच हो रहते हैं, और आपने फिर एक को फ्रंट में रखना है, एक को फ्रंट में और एक को बैक में, यही एल्गोरिथम लगाना है। एल्गोरिथम लगा लिए, ये अब दोनों मैच हो गए। अब मैंने पहले भी बताया था एक को राइट में और एक को बैक में, यही एल्गोरिथम। ओ भाई एजेस भी मैच हो गए हैं आपके, एजेस भी। अब रह गए सिर्फ कॉर्नर्स कैसे आपने मैच करने हैं, ये एल्गोरिथम लिख के मैंने रखे हुए हैं पहले के। ओ भाई अब ये भी नहीं टिक रहा, ओ भाई टिक जा, टिक गया। अब एल यू, ओ यार मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, एल यू आर प्राइम, सॉरी मैं बीच में प्राइम बोलना भूल गया हूँ। अब आपने ये उस तब लगाना है, मैं एक मिनट इसको भी स्क्रैम्बल कर लूँ मेरे ख्याल से, यार स्क्रैम्बल हो। अब देखिए मेरा कोई कॉर्नर भी नहीं, मतलब कॉर्नर कैसे किस तरह से मैच होता है, मतलब किस तरह मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये मेरा एक कॉर्नर है, बल्कि तीनों कॉर्नर मेरे मैच हो गए, ये मेरा कॉर्नर है, इसे अगर मैं ट्विस्ट कर दूँ तो ये सही हो जाएगा, लेकिन इसको हमने एक फाइनल स्टेप है उससे करेंगे। और आपने ये कैसे करना है देखें, आपका अभी कोई भी एज नहीं मैच, आपने किसी भी साइड से होल्ड कर लेना है, एल यू आर प्राइम यू एल प्राइम यू आर प्राइम। अब आपने फ़ौरन से एजेस मैच करने हैं पहले, और देखेंगे कोई कॉर्नर मैच है, मेरा तो भाई एक कॉर्नर भी नहीं मैच। आपको कॉर्नर मैच करने का आसान तरीका बताऊं कैसे आपको पता चलेगा, देखें येलो टॉप में है, येलो टॉप में आ जाएगा, ऑरेंज ग्रीन ये आपका कॉर्नर मैच है ऐसे। अच्छा इसे भी अब स्क्रैम्बल कर लूँ भाई, हाँ अब आपने अभी मेरा कोई भी कॉर्नर ना मैच था, मैं फिर से किसी भी साइड से होल्ड करूँगा और यही एल्गोरिथम लगाऊँगा, दो से तीन दफ़ा लगेगा आपका कोई ना कोई तो हो जाएगा मैच, अभी तो फिर नहीं हुआ, अब मैं किसी और साइड से होल्ड कर लूँगा, यही अभी मेरा हुआ है, नहीं अभी भी नहीं हुआ मेरा मैच, फिर
भाई अभी तक नहीं हुआ, एक एक लास्ट टाइम और लगा के देख लूं। ओ भाई मेरे दोनों ही इकट्ठे हो गए। नहीं नहीं मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, जब आपका एक कॉर्नर मैच हो गया ट्विस्ट करेंगे तो सही होगा, लेकिन आपने ट्विस्ट नहीं करना, आपका क्यूब भी टूट सकता है अगर टाइट हुआ। मेरा तो अभी खैर थोड़ा लूज है, मतलब नॉर्मल है। ये जब मैच हो गया, जो मैच होगा ना आपने उसको राइट में रखना है और यही एल्गोरिथम लगाना है। एक से दो दफ़ा हो जाएगा, तीन दफ़ा मेरा ख्याल लगता है शायद, एक दफ़ा लगाया नहीं हुआ। ओ भाई दोनों मेरे मैच हो गए, येलो रेड ब्लू येलो ऑरेंज ब्लू। कभी कभी चार भी आते हैं, कभी तीन भी आते हैं, लेकिन मैं वो आपको स्टेप बताने वाला हूँ। ओ भाई फाइनल स्टेप भी मारा ही है। ये आप कह रहे होंगे कि फर्स्ट लेयर में भी आप लोग यही एल्गोरिथम लगाते हैं और लास्ट के कॉर्नर्स में भी, मतलब कॉर्नर्स मैच करने में तो सिर्फ आर यू ही मेरा ख्याल लगता है, और भी लग सकता है लेकिन फिलहाल तो यही इजी है। खैर अब आपने कैसे लगाना है, आपने वाइट को टॉप में करना है और उस कॉर्नर को नीचे करना है जो मैच होने वाला है, ये एल्गोरिथम लगाना है। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आर प्राइम यू, क्योंकि ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आर यू आर प्राइम यू दो दफ़ा, मैं एक बात बताता चलूँ, या तो ये एल्गोरिथम दो दफ़ा लगता है या चार दफ़ा, अभी दो दफ़ा लगा के देखते हैं। दो दफ़ा मैंने लगा लिया था, पहले भी लगा लिया था, अब दो दफ़ा लगाया नहीं हुआ, फिर से दो दफ़ा लगाया हो गया। अब जो दूसरा होगा उसको यहाँ पे आपने ले आना है, चाहे वो इस साइड वाला हो आपने ऐसे ले आना है, चाहे इस साइड वाला है। अभी आर यू आर प्राइम यू। ओ भाई आप लोगों का क्यूब सॉल्व हो चुका है। अब इन चीज़ों का मैं साइड पे करूं, आप लोगों ने अपना 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीख लिया है, मुबारक हो आप लोगों को। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मैंने टारगेट रखा है 200 सब्सक्राइबर का। अब आप लोग कहोगे यार क्या ये बंदा हर वीडियो में बोलता रहता है 200 सब्सक्राइबर, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन टाइटल में लिखता रहता है कि 200 सब्सक्राइबर। ओ भाई मैंने एक सेलिब्रेशन करनी है, 200 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवा दो, लोग तो 1 लाख 2 लाख पता नहीं कितने मांगते हैं। अभी मेरे चैनल पे जितने व्यूज़ आए हैं ना, मेरे 1000 सब्सक्राइबर के करीब हैं जितने मेरे चैनल पे व्यूज़ हैं, तो यार जाओ अभी सब्सक्राइब करो, यहाँ वीडियो का देख रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, जल्दी से कर लिए सब्सक्राइब। अब आप लोग मेरे एक फ्रेंड बन चुके हो, आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आज की वीडियो हमारी यही थी, मेन टॉपिक यही था, हाउ टू सॉल्व योर 3x3 क्यूब विद ईजीएस्ट मेथड। मैंने आपको सबसे आसान मेथड से समझा चुका हूँ, अगर आप इससे भी आसान मेथड से समझना चाहते हैं तो F12 से आप अपनी फर्स्ट 2 लेयर्स को इकट्ठी सॉल्व कर सकते हैं, वो वीडियो मैं बना चुका हूँ। हसनैन क्यूबर के नाम से चैनल है, हसनैन क्यूबर, ये जो आप वीडियो देख रही है हसनैन क्यूबर के नाम से है, जो आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं हसनैन क्यूबर के नाम से है चैनल, आप अभी जाएँ खोलें देखें, F12 मैंने सिखाया हुआ है, मेरा क्यूब 2x2 क्यूब मैंने सिखाया हुआ है, और भी क्यूब्स हम इंशाल्लाह लेंगे और सिखाएंगे भी आप लोगों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल वीडियो को एंड करना चाहिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 200 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी जल्दी से पूरा करें। शुक्रिया।